ये मेरे एक ऑपरेटेड पेशेंट है, इनका मैंने ऑपरेट किया था अल्फा एवरेस्ट की डिस्क का। ऑपरेशन से पहले इनके जो हालात थे और बाद में जब पेशेंट को बताएंगे, मुझे बताएं क्या मसला होता था आपका। मसला ये था कि मेरी कमर में पहले दर्द थी और फिर ये ना पूरी टांग में शुरू हो गई। अच्छा। पांव तक दर्द थी और नंबनेस भी थी पांव में, लेकिन आज 13 दिन हो गए मैं बिल्कुल फिट फाट, कोई दर्द नहीं है, मैं चलती हूँ बिल्कुल। पहले चल भी नहीं पाती थी, बहुत पेन होता था, लेकिन अब खुदा का शुक्र मैं चलती हूँ। पेशेंट जब मेरे पास आए थे तो एक तो इनको शैटका की प्रॉब्लम थी, दूसरा इनका प्रॉब्लम ये था कि इनकी हमने जब इन्वेस्टिगेट किया था तो इनकी दिल की तकलीफ निकली थी, जिसका इन्हें भी नहीं पता था कि दिल की प्रॉब्लम है। उसका हमने वर्कअप किया, इलाज कराया, सारे काम किए। प्रॉब्लम जो शैटका के मरीजों में होता है वो ये होता है कि शैटक पेन की वजह से ना आप लोग पहले दवाई खाते हैं, इलाज कराते हैं, लेकिन जब इलाज नाकाम हो जाता है तो उसके बाद फिर आप फिजियोथेरेपी और सारी चीजें छोड़ देते हैं और फिर वेट बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से दिल की तकलीफ होती है, शुगर होती है और मसाले होते हैं। आप मुझे बताएं कि आउट ऑफ 10 कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है आपको, 10 बीइंग द हायर, 0 बीइंग द लोएस्ट। मेरी रिकवरी है, मैं ठीक हूँ। 10 out of 10 थोड़ा चल के देखा। अरे एक मिनट, इससे पहले मुझे ये बताएं कि आपको बीमारी क्या थी, हम तो रिकवरी में तो बात करें, बीमारी बताएं ना क्या। बीमारी यही थी, मेरी कमर में बहुत शदीद तकलीफ था, इस तरह मैं बैठ भी नहीं पाती थी और चलना तो दूध की बात है, चल भी नहीं पाती थी, बहुत ही पेन होती थी। लेकिन जब से ऑपरेशन हुआ कोई पेन नहीं है, वो वाली कुछ भी नहीं है, खुदा का शुक्र है, मैं खुद से चल रही हूँ और बहुत अच्छा है। तो आपने ऑपरेशन इतना लेट क्यों कराया, पहले क्यों नहीं कराया ऑपरेशन? ना वो इसलिए कि काफी मेडिसिन में लेती है कि ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, लेकिन ये दर्द तो बढ़ता ही था, जहाँ जहाँ से दवाई ली तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। आपका दर्द इसलिए ठीक नहीं हुआ था कि एक डीजेनरेटिव चेंज है, ये कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी जो इसे ठीक कर सके। ये मैं बार बार कहता हूँ, बताओ खैर, इनकी L5S1 की डिस्क जिसके हमने माइक्रो डिस्ट्रेक्ट में की है माइक्रो एंडोस्कोपिक, माशाल्लाह पेशेंट इज एब्सोल्युटली फाइन, उठे चल के दिखाएं। चलो आप देख सकते हैं कि पेशेंट इज पेन फ्री, शी इज वॉकिंग एब्सोल्युटली फाइन एंड शी इज एब्सोल्युटली हेल्दी बन गया। मेरे को फिजियोथेरेपी करानी है और इनको थोड़ी सी मजीद चीजों पर फोकस करना है, शी विल बी बैक टू हर नॉर्मल लाइफ।